तो हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम देखेंगे आज कि एलिन सिस्टम में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, यानी एलिन सिस्टम होता क्या है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे हम निकालेंगे या कैसे हम एनालाइज करेंगे कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है कि नहीं, ठीक है, क्या क्या वो कंडीशन है तो कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट करे। यानी हम आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जेईई मेंस एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इवन एम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ क्यूमुलेटिव डाइन्स और एलिन्स, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ क्यूमुलेटिव डाइन्स और एलिन्स, इसी को एलिन्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यूमुलेटिव डाइन और एलिन्स होते क्या हैं और ये स्टीरियोकेमिस्ट्री किस कंडीशन में एग्जिबिट करेंगे और किस कंडीशन में ये नहीं शो करेंगे, यानी किस कंडीशन में ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और किस कंडीशन में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो उन तमाम चीजों को हम लोग यहाँ आज डिस्कस करने वाले हैं। आप पेन कॉपी लेकर तैयार रहिए, वन बाय वन नोट्स करते जाइए, ठीक है, और नोट्स बनाते जाइए मेरे साथ साथ और अपना कंसेप्ट क्लियर करते जाइए, ठीक है बेटा। तो मूव करेंगे आज हम हेडिंग क्या डालेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ क्यूमुलेटिव डाइन, ठीक है बेटा। तो हेडिंग पड़ेगा क्या, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ क्या क्यूमुलेटिव डाइन, डाइन्स और इसी को बोलते हैं एलिन्स, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या एलिन्स। तो देखो बेटा क्यूमुलेटिव डाइन और एलिन्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाइन क्या है, व्हाट इज डाइन, ठीक है। तो डाइइन यानी वह कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, डाई इन कहाँ प्राइमरी सफिक्स यूज करते हो, इन जहां पर डबल बॉन्ड हो, तो डाई मतलब एक से ज्यादा, यानी वह कंपाउंड जहां पर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो उसी को डाइन बोलते हैं। अब ये डाइन जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं आइसोलेटेड डाइन, एक होते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन और एक होते हैं क्यूमुलेटिव डाइन, ठीक है। तो डाइन्स जो होते हैं, डाइन्स मतलब कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन डबल बॉन्ड, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा उसी को डाइन बोलते हैं। मोर देन वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, बिटवीन कार्बन कार्बन, एक से ज्यादा डबल हो किससे, कार्बन कार्बन एटम के बीच में, उसी को बोलते हैं डाइन्स। अब ये डाइन्स क्या, अगर देखोगे टाइप्स ऑफ डाइन, टाइप्स ऑफ डाइन की अगर बात करें, ठीक है, टाइप्स ऑफ डाइन की बात करोगे तो फर्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन, ठीक है। कॉन्जुगेटेड डाइन की बात करोगे तो क्या होगा, डाइन हैविंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड किसके बीच, बिटवीन कार्बन कार्बन, अल्टरनेट
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो उसको बोलते हैं कंजुगेटेड डाई। ठीक है, यहीं अगर हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH2, ये भी कंजुगेटेड डाई है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, उसी तरह अगर मान लो ये एग्जांपल हुआ, सेकेंड अगर बात करें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH2। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होने के कारण इसको बोलते हैं क्या, कंजुगेटेड डाइन, एक से ज्यादा डाइन है। ठीक है बेटा, अगर हम दूसरी डाइन की बात करें तो दूसरा होगा आइसोलेटेड डाइन, तो सेकेंड जो होगा वो क्या होगा बेटा, आइसोलेटेड डाइन, तो सेकेंड डाइन की अगर हम बात करें यहां पे तो ये होगा आइसोलेटेड आइसोलेटेड डाइन। ठीक है, आइसोलेटेड डाइन, आइसोलेटेड डाइन में क्या होगा, एटलीस्ट वन एसपी थ्री हाइब्रिडाइज्ड, वन एसपी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन एटम बिटवीन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, एटलीस्ट वन एसपी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन एटम बिटवीन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जैसे यहां पे देखोगे तो सी एच टू डबल बॉन्ड, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, ये यानी कहने का मतलब अल्टरनेटिव डाइन में क्या होगा, आइसोलेटेड डाइन में एटलीस्ट वन एसपी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन होगा बिटवीन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू फिर सी एच फिर डबल बॉन्ड, तो लिख रहा है कि इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड में ये जो यूनिट है वो क्या है, एसपी थ्री हाइब्रिडाइज है, यानी ये वाला जो यूनिट है वो एसपी थ्री हाइब्रिडाइज है, यानी कंजुगेशन में ये बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कंजुगेटेड डाइन, बट ये नो कंजुगेशन, ये अगर इधर शिफ्ट किया तो ये सिंगल ही बॉन्ड है, कोई शिफ्टिंग नहीं होगा, पाई बॉन्ड ही ब्रेक करता है, वीक होता है पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, यहाँ पे नहीं ब्रेक करेगा, यानी कोई शिफ्टिंग नहीं होगा, तो दिस इज आइसोलेटेड डाइन। ठीक है, अगर मान लो उसी तरह हमारे पास क्या है, रिंग सिस्टम है, एक बॉन्ड यहां है और दूसरा बॉन्ड यहां है, तो ये एसपी थ्री हाइब्रिडाइज से आइसोलेटेड है। अगर यही रिंग सिस्टम यहां पे होता, अगर थर्ड एग्जांपल इसका देखते तो रिंग सिस्टम अगर यहां पे है, ठीक, तो ये है और दूसरा ये है, डबल सिंगल डबल कंजुगेटेड डाइन, बट दिस इज आइसोलेटेड डाइन, डबल सिंगल सिंगल फिर डबल, डबल सिंगल सिंगल डबल आइसोलेटेड डाइन। यानी आइसोलेटेड डाइन का मतलब कि जो दोनों पाई बॉन्ड्स हैं इनके बीच कोई कनेक्टिविटी नहीं है, यानी इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, ये एक दूसरे से आइसोलेट हैं, तब हम उसको बोलेंगे आइसोलेटेड डाइन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, आइसोलेटेड डाइन। अब उसी तरह नेक्स्ट हम देखेंगे क्यूमुलेटिव डाइन, थर्ड जो पॉइंट होगा वो क्या होगा बेटा, क्यूमुलेटिव डाइन यानी एलिंग्स की बात करेंगे थर्ड पॉइंट, थर्ड में क्या लिखोगे, क्यूमुलेटिव डाइन, यानी यहां पे जो आएगा वो होगा क्यूमुलेटेड डाइन या क्यूमुलेटिव डाइन, डाइन्स, और इसी को बोलते हैं एलिंस। ठीक है, एलिन बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब इसमें देखोगे कॉन्सिक्यूटिव डबल बॉन्ड होगा, इन क्यूमुलेटिव डाइन कॉन्सिक्यूटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट, यानी कॉन्सिक्यूटिव
consecutive double bond. Present. ठीक है, consecutive double bond होगा, यानी यहां पे देखोगे तो consecutive double bond, यानी एक के बाद एक double bond होगा, ठीक है? या when two double bond, when two double bond on same carbon. When two double bond on same carbon, तो उसको बोलते हैं cumulative dying, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं cumulative dying, यानी इधर example की बात करोगे, तो this is a CH2 double bond C double bond CH2. जब दो डबल बॉन्ड क्या हो, सेम कार्बन पे हो, तो यहां पे देखोगे तो इस कंडीशन में देखो ये क्या है, इस कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहां पे sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp हाइब्रिडाइज है और ये sp2 हाइब्रिडाइज है. यहां पे देखो sp2 था, ये भी कार्बन sp2 है, बट ये वाला sp3 है, ये sp2 है और ये भी sp2. इसमें अगर बात करो तो sp2, sp2, sp2 एंड sp2, यानी कंजुगेटेड डाइन में बात करोगे तो ईच कार्बन हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन. आइसोमेटेड डाइन में बात करोगे तो एक के बीच जो क्या होगा, यानी डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आएगा, यानी सिंगल बॉन्ड होगा, तो वहां बोलेंगे क्या, वहां बोलेंगे आइसोलेटेड डाइन. यहां पे देखो क्यूमुलेटिव टाइम में अल्टरनेट नहीं है, यहां कंसेक्यूटिव मैनर में डबल डबल डबल, ठीक है, एक के बाद एक डबल बॉन्ड है, यानी कि दो sp2 हाइब्रिडाइज एटम किससे सेपरेट है, sp हाइब्रिडाइजेशन से. तो इसी को बोलते हैं क्या, कंजुगेटेड टाइम, आइसोलेटेड टाइम एंड दिस इज क्यूमुलेटिव टाइम और एलिंग्स, ठीक है. तो ये डिफरेंसेस हैं किसमें, बीच आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, कंजुगेटेड और क्यूमुलेटिव डाइन. तो बेसिक डिफरेंस यही है, यानी कि यहां पे अल्टरनेट डबल सिंगल होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे डबल डबल बॉन्ड के बीच दो सिंगल बॉन्ड आएंगे, यानी sp3 हाइब्रिडाइज होगा, और यहां पे देखोगे sp2, sp और sp2, यानी एक कार्बन जो होगा वो क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज होगा बीच वाला, यानी ये हमारा क्या होगा, कंसेक्यूटिव डाइन, यानी एक के बाद एक डबल बॉन्ड आ रहा है, उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव डाइन. जैसे अगर साइक्लिक फॉर्म की बात करोगे तो साइक्लिक फॉर्म में अगर ये वाला ग्रुप आ रहा है, जैसे एक के बाद एक डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, तो एक के बाद एक डबल बॉन्ड, उसको बोलेंगे क्या, कंसेक्यूटिव डाइन या कंजुगेटेड डाइन, यानी क्यूमुलेटिव डाइन और एलिंस बोलते हैं, ठीक है बेटा. आज हम देखेंगे क्या, इसी एलिंस के केस में स्टीरियोकेमिस्ट्री इसका क्या होगा, यानी हमने हेडिंग डाला स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ क्यूमुलेटिव डाइन और एलिंस. इसका हमने इसको नहीं देखना है क्योंकि ऑलरेडी इसमें हम देख चुके हैं, ठीक है, जहां से स्टार्ट आइसोमेरिज्म होता था. अब देखो यहां पे हम देखेंगे क्यूमुलेटिव डाइन के केस में स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या रोल, यानी कब होगा कब नहीं होगा. छापो इसको फटाक से. ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे देखो बेटा कंडीशन पूछो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कंडीशन टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म
इन एलिंग, ठीक है, एलिंग की बात करें, ठीक है बेटा। अगर हम एलिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एलिंग का कंडीशन क्या है, यानी किस कंडीशन में। तो सपोज करो मेरे पास क्या है, R1, R2, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, R1, R1, R2, ठीक है, ये कंडीशन है। यानी कि जो डबल बॉन्ड होना चाहिए, कंडीशन क्या है कि व्हेन एलिंस हैव, एलिंस हैव इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी दो चार छह सो ऑन, एंड टर्मिनल ग्रुप, टर्मिनल ग्रुप शुड शुड बी डिफरेंट, ठीक है। When alien have even number of double bond and terminal group should have different, should have different group, terminal group should be different, ठीक है, ये condition होना चाहिए। तो अब ये क्या show करेगा, optical isomerism show करेगा। यानी कि व्हेन एलिन के पास क्या हो, इवन नंबर डबल बॉन्ड हो, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन नंबर वन लिख लो, व्हेन एलिन हैव इवन नंबर ऑफ, यहां से लिखते हैं, पहला कंडीशन क्या है, एलिन हैव इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इवन नंबर होना चाहिए, दो चार छह इटीसी, और दूसरा कंडीशन क्या है, टर्मिनल ग्रुप, टर्मिनल ग्रुप, टर्मिनल ग्रुप, टर्मिनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट, टर्मिनल ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तो अभी ये क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन एलिंग्स। अब ऐसा क्यों है बेटा कि इवन नंबर हो तभी होगा और टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट हो तभी होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो होता क्या है एक्चुअल में, तो जो एलिन है, एलिन का हम अगर स्ट्रक्चर जानेंगे, यानी इसका स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल देखेंगे, तब तो हमको क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल में ये जो बॉन्ड है बेटा, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ये ऐसे है, तुमको दिख रहा है टू डायमेंशनल पेपर पे बोर्ड पे, ये ऐसे है, और जो दूसरा वाला डबल बॉन्ड है बेटा वो एक्चुअल में इसके परपेंडिकुलर है। बात क्लियर हुआ कि नहीं, हमको ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है हमको कि ये डबल बॉन्ड एक हुआ, एक डबल बॉन्ड ये हुआ, ठीक है, ये डबल बॉन्ड हुआ, एक कार्बन ये, बीच वाला कार्बन ये, और एक डबल बॉन्ड ये हुआ। तो ये दो डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये दो डबल बॉन्ड पैरेलल नहीं है बेटा, ये दो डबल बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दो जो डबल बॉन्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के कारण ये मॉलिक्यूल जो है वो प्लेन में नहीं है, यानी कि ये मॉलिक्यूल जो है वो प्लेन में नहीं है, ठीक है। यानी कि इस कंडीशन में अगर बात करोगे तो क्या कह रहा है कि टर्मिनल ग्रुप
यानी कि इवन नंबर हो डबल बॉन्ड का एलिंग्स में, और जो टर्मिनल ग्रुप हो वो डिफरेंट हो, यानी R1 इज नॉट इक्वल टू R2, टर्मिनल ग्रुप बने यानी ये R1 इज नॉट इक्वल टू R2, उस कंडीशन में ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। उसके बाद अगर कोई चेंजिंग है तो ये नहीं शो करेगा। और यदि ऑड नंबर ऑफ हो डबल बॉन्ड और टर्मिनल ग्रुप सेम डिफरेंट हो तो भी नहीं शो करेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो यहाँ पे बेटा हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि एक्चुअल में जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो डबल बॉन्ड का, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के कारण कोई सिमेट्री एलिमेंट काम नहीं करता। अगर हम ऐसे देखेंगे तो इस मॉलिक्यूल को हम इक्वल भाग में काट सकते हैं, अगर मान लो ये ग्रुप सेम हो तो इक्वल भाग में काट सकते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट एक्चुअल में ये जो डबल बॉन्ड है वो कैसे है, वो एक्चुअल में डबल बॉन्ड जो है बेटा वो हमारे लिए क्या है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी कहने का मतलब ये वाला जो ग्रुप होगा वो एबव होगा, ठीक है, और ये वाला जो ग्रुप होगा वो एक दूसरे से बिलो जाएगा। यानी जो ग्रुप का अरेंजमेंट है वो जो ग्रुप का अरेंजमेंट है वो ऐसे है, इस टाइप से ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, सपोज करो ये जो दो डबल बॉन्ड है कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड जो तुमको दिख रहा है, ठीक है, एक्चुअल में ये क्या है, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, बट ये डबल बॉन्ड एक ग्रुप इस पर और एक ग्रुप इस पर अटैच है, उसी तरह इस पर और इस पर, बट एक्चुअल में ये जो डबल बॉन्ड है ये ऐसे है। तो जो ग्रीन वाला है, तो ग्रीन वाला तुम्हारे साइड है तो तुमको दिख रहा है यानी एबव हो गया, और जो रेड वाला है ये वाला वो बैक साइड है यानी वो बिलो चला गया। उसी को हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया ऐसे, ये वाला डबल बॉन्ड ये और ये इसका परपेंडिकुलर, ये ग्रीन वाला इस कार्बन यानी तुम्हारे साइड दिख रहा है और रेड वाला उस ब्लैक बोर्ड के साइड दिख रहा है। यानी कि अगर बात करो इस कंडीशन में तो एक आर ग्रुप क्या है, यहाँ पे जो है वो ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं और यहाँ पे ये ऐसे और ऐसे जुड़े हुए हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। अगर इसको इस तरह से काटोगे, ठीक है, अगर तुम इस तरह से काटोगे, इधर से काटना चाहते हो, इधर से काटना चाहते हो, तो ये तो कटेंगे, बट ये ऐसे है, एक्चुअल में ये ऐसे अरेंजमेंट है, ये वाला जो है वो ये वाला ये है, ये वाला यानी एबव है और ये वाला बिलो है, तो अरेंजमेंट उनका क्या है, एबव और बिलो प्लेन में नहीं है। वही तो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जब प्लेनरिटी नहीं होती है तो ऑप्टिकल आइसोमर थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है मॉलिक्यूल का। यानी एक्चुअल में अगर इसकी बात करें तो ये जो देखोगे तो ये दोनों अलग अलग प्लेन में है, जैसे ये है देखो यहां पे ये जो ग्रुप है वो इस तरह से, यानी एक एबव दूसरा बिलो इस टाइप से है, ठीक है, और जो दूसरा वाला प्लेन है ये वाला वो एक दूसरे के प्लेन में है, ये है एक्चुअल में देखोगे तो ये जो है एक प्लेन में है, ये जो ग्रुप है एक दूसरे के क्या है प्लेन में है, तो प्लेन में होने के कारण ये R2 ये प्लेन में है और ये एक दूसरे के क्या है, और ये वाला जो ग्रुप है वो उसके परपेंडिकुलर है, ठीक। तो इस तरह से इसको हम और अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, ये हुआ, ठीक, ये R2 हमने लिखा, ये R1 लिखा, ठीक है। तो देखो बेटा ये क्या है, sp2 hybridized, this is sp hybridized, यहां पे देखोगे तो ये R1
और यहाँ पे आर टू, ठीक है, इस टाइप से हम तो एक्चुअल में देखोगे तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। यहां पे अगर बात करें हम ये तो ऐसे हैं, इनका एलिमेंट देखोगे तो कुछ इस टाइप से है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे हैं, ठीक है। ये इसके ऐसे हैं, यानी ये एबव ये बिलो, ठीक है, ये इस अरेंजमेंट में है। और जो दूसरा वाला जो है, ये वाला वो इसके साथ क्या है, प्लेन में है, यानी ये वाला जो है वो इसके साथ प्लेन में है ऐसे, ठीक है। ये और ये देखो यहां पे R2 R1। अब ये दोनों प्लेन अलग अलग है, एक जो है वो ऐसे है ऐसे, तो दूसरा प्लेन में है। यानी कहने का मतलब अगर हम मान लो ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, ठीक, ये तो ऐसे तुमको दिख रहा है दो डबल बॉन्ड, ठीक है, ये दो डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक कार्बन यहां दूसरा कार्बन यहां, इस पे टर्मिनल पे और इस पे टर्मिनल पे ऐसे है, ठीक है। एक्चुअल में ये ऐसे अरेंजमेंट है, तो ये वाला जो ग्रुप होगा बेटा देखो, ये वाला ग्रुप वो तुम्हारे साइड जाएगा और जो बैक वाला आएगा वो मेरे साइड आएगा, यानी तुमसे दूर जाएगा। उसी चीज को हमने यहां पे दिखा, एक्चुअल में ये ऐसे है, ये आर ऊपर ये नीचे, ये प्लेन में, तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री POS। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इस कंडीशन में मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। यहां पर लिख सकते हो क्या, इट हैव नो कायरल सेंटर, यहां पे इट है नो कायरल सेंटर, कायरल सेंटर एट मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली कोई कायरल सेंटर नहीं है यहां पे। तो देखो होल मॉलिक्यूल को हम देखते हैं, होल मॉलिक्यूल अगर एसिमेट्रिक हो गया, ठीक है, होल मॉलिक्यूल यहां एसिमेट्रिक इसलिए है बिकॉज हियर नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये तो जो तो डबल बॉन्ड है वो दूसरे के परपेंडिकुलर होने के कारण, ये क्या है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के कारण कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल कायरल सेंटर देखेंगे हम, होल मॉलिक्यूल की एसिमेट्री को देखेंगे। तो मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। कब, अगर हम इसका मिरर इमेज बना दो, ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज बनाएंगे। तो जब मिरर इमेज बनाओगे बेटा तो क्या हो जाएगा, यहां पे इसका अगर मिरर रखते हो, यहां पे मिरर रख दो, यहां पे जब मिरर रखोगे तो क्या होगा, जस्ट ये अपोजिट चला जाएगा। यानी अगर बात करो यहां पे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये R2 R1 R1 R2, ये गया। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये देखो यहां पे ये 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 एक प्लेन में, और दूसरा वाला जो है ये वाला इस प्लेन में आ जाएगा, ये प्लेन। तो ये इसका मिरर इमेज हो रहा है, ठीक है, और ये नॉन सुपर इंपोज हो रहा है, यानी नॉन सुपर इंपोज हो रहा है, तो उसी को बोलेंगे क्या,
उसी को बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है, कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, कोई कायरल सेंटर नहीं दिख रहा है तुमको, बट मॉलिक्यूल होल एज ए सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो देयर इज ए टू कंडीशन, फर्स्ट इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो और सेकेंड टर्मिनल कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। अगर सिमिलर ग्रुप अटैच हो गया तो वहां ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान देखना है बेटा, यानी कि अगर हम बात करें एलिन्स की केस में, तो यहां पे देखो अगर इसका एग्जांपल लेते हैं CH, ये सी एच एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री एच, ठीक है। एन क्या है, एन ये इवन नंबर है, टू है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, एन का मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। इवन नंबर है, इवन नंबर है, इवन है, और इच कार्बन पे देखो चेक करोगे तो यहां पे क्या है, दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो इस मॉलिक्यूल पे अगर इधर से काटते हो, इधर से काटते हो तो ये हाफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। ये हाफ जो होगा ऐसे अगर काट रहे हो तो ये सिमेट्रिकल आया हाफ मॉलिक्यूल, क्योंकि दोनों प्लेन में नहीं है, एक प्लेन के अबव है और दूसरा एक प्लेन के बिलो है, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है, तो मान लो ये प्लेन में है, जब ये प्लेन में है तो अगर इसको काटोगे ऐसे या ऐसे काटोगे तो हाफ मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, बट हाफ मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए है, यानी ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात करोगे तो ओवरऑल मॉलिक्यूल में क्या है, एक हाफ में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो यानी मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ एच इक्वल टू एच है, यानी एच इक्वल टू एच, यानी टर्मिनल ग्रुप पे दोनों ग्रुप सिमिलर हैं, तो क्या लिख सकते हो, टर्मिनल ग्रुप, टर्मिनल कार्बन है सिमिलर ग्रुप, सो मॉलिक्यूल है प्लेन ऑफ सिमेट्री, हैंस ऑप्टिकली इनएक्टिव। या क्वेश्चन क्या दे रहा है, नॉट रिजॉल्वेबल, यानी मॉलिक्यूल नॉट रिजॉल्वेबल है, यानी नॉन रिजॉल्वेबल है, यानी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसी का सेंटेंस है क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो ये कंडीशन है, देखो यहां पे नेक्स्ट अगर देखते हैं, यहां पे देखो कार्बन डबल बॉन्ड, ये एच हो गया, ये सी एच थ्री हो गया, ये सी एच थ्री, ये एच, ठीक है। अब देखो यहां क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड टू है, यानी क्या है, इवन है, कंडीशन फुलफिल किया। फिर क्या है, टर्मिनल ग्रुप है डिफरेंट ग्रुप, टर्मिनल कार्बन एटम है डिफरेंट ग्रुप। तो यहां पे ये हुआ, अब इसका क्या करोगे, मिरर इमेज लोगे, तो देखो बेटा यहां पे क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp हाइब्रिडाइज है और ये sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक। इसका मिरर इमेज लोगे तो जस्ट इसका अपोजिट आ जाएगा, c, ये हाइड्रोजन यहां गया, ये मिथाइल ग्रुप
यहां आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां और ये मिथाइल ग्रुप यहां, ठीक है। अब देखो तो लिख सकते हो क्या, लिखो यहां पे कि द प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ एलिन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, the plane of pi bond of elings are perpendicular to each other, the geometry of pi bond the geometry of pi bond causes the group attached to end of carbon atom attached to end of carbon atom perpendicular to each other, carbon atom to lie in perpendicular to each other, perpendicular to each other। यानी कहने का मतलब कि ये जो पाई बॉन्ड की जो ज्योमेट्री है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के कारण, इस पाई बॉन्ड की जो ज्योमेट्री है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के कारण, ये अगर ऐसे है, ये वाला पाई बॉन्ड अगर ऐसे है तो दूसरा वाला ऐसे है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होने के कारण ये क्या करता है, जो टर्मिनल ग्रुप वाला है, जो टर्मिनल कार्बन पे जो ग्रुप अटैच है वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, इसलिए वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, होल एज ए सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, यानी होल एज ए ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये है कंडीशन, क्या ये है एलियंस के केस में ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, यानी कि हमारा इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होना चाहिए और टर्मिनल ग्रुप पे डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए, ठीक है, उसी कंडीशन में ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यदि ऑड नंबर है तो वहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब आप ये ध्यान रखना कि ये जो डबल बॉन्ड है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये जो ग्रुप अटैच है टर्मिनल कार्बन पे ये एक दूसरे के भी क्या है, ये एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये वाला ग्रुप प्लेन में है ऐसे, और ये वाला ग्रुप एक एबव और ये पीछे वाला जो अंगूठा है मेरा वो बिलो, तो ये कंडीशन जेनरेट कर रहा है, देखो ऐसे है, ठीक। ये वाला जो ग्रुप है ये डबल बॉन्ड हुआ, ये जो ग्रुप है ये दोनों प्लेन में है और ये वाला जो ग्रुप है वो एक दूसरे क्या है, ये डबल बॉन्ड भी परपेंडिकुलर है और ये भी एक दूसरे के ग्रुप जो है वो भी परपेंडिकुलर कंडीशन में जा रहे हैं, तो यानी इसका थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन जो हो रहा है वो क्या है, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट में हो रहा है, वही तो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये है क्या, अब ऐसा होगा क्यों, ठीक है, तो इसका कंडीशन रीजन क्या है, तो देखो यहाँ पे अगर हम बॉन्डिंग की बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम बॉन्ड स्ट्रक्चर से समझाना चाहें, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यानी कि ऑर्बिटल डायग्राम से हम समझाना चाहें, तो देखो क्या क्या कह रहा है, ठीक है। यदि मान लो ये R1 है, ये कार्बन, ये R2, ठीक है, ये है, ये है, ये R1, ये R2, ठीक, ये पाई बॉन्ड प्लस माइनस
sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp हाइब्रिडाइज है और ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। इस पर भी ऑर्बिटल एक एक वैकेंट पड़े हुए हैं, ठीक, ये कंडीशन है। अब देखो बेटा यहां पे इस पर क्या है, sp हाइब्रिडाइज है तो दो ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, ठीक, और इस पर sp2 हाइब्रिडाइज है तो एक ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, ये कंडीशन है। अब देखो क्या होता है, एक्चुअल में होगा क्या, ये जो जो प्लेन में होते हैं उनका ओवरलैपिंग ये हो रहा है, ये तो ये प्लेन में है, ये जो मॉलिक्यूल है वो पाई बॉन्ड जो है वो प्लेन में है, इस मॉलिक्यूल के प्लेन के साथ है, बट जो दूसरा ओवरलैपिंग है बेटा, वो जो दूसरा ओवरलैपिंग है वो इनके बीच हो रहा है, ये देखो और ये हो रहा है, यानी ये दोनों का ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग जो है वो क्या है, वो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, यानी ये परपेंडिकुलर अरेंजमेंट है, तो इसी को बोलेंगे क्या, ये एक दूसरे क्या है पाई बॉन्ड, ये ऐसे है तो दूसरा वाला ऐसे है, ठीक है, तो ये वाला बैक और ये वाला अबव, ऐसे देखो ये बैक ये अबव, तो इस तरह से एक ऑर्बिटल का इंटरेक्शन होने के कारण ये क्या है, ये पाई बॉन्ड एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर पोजीशन पे हैं, और इनके परपेंडिकुलर होने के कारण जो इस टर्मिनल पे ग्रुप हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो वहीं पे क्या होगा, ज्योमेट्रिकल यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन अगर यही क्या होंगे, इवन नंबर हो जाएंगे, अगर यदि यही इवन नंबर हो जाएंगे उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ज्योमेट्रिकल ना होकर, अरे ऑप्टिकल ना होकर क्या होगा, ज्योमेट्रिकल हो जाएगा, तो ठीक है बेटा, ये देखो ये एक दूसरे क्या है परपेंडिकुलर होने के कारण ये प्लेन में नहीं है, और जब प्लेन में नहीं है तो क्या शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब हम देखेंगे अगर इसके अलावा और एग्जाम्पल क्या क्या है, मान लो मेरे पास ये दिया हुआ है, ठीक, बीआर है, यहां हाइड्रोजन है, बीआर है, ये हाइड्रोजन है, ये दूसरे क्या है, ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसका क्या करोगे, इसका अगर मिरर इमेज लोगे तो जस्ट अपोजिट आ जाएगा, ये हुआ, यहां आ गया हमारा क्या बीआर, यहां आ गया एच, यहां एच और यहां बीआर, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। उसी तरह मान लो यार अगर ये है, ये है एच और यहां एच CH3, ठीक, ये है यानी ये एबव है और ये हमारा क्या है बिलो। इस कंडीशन में भी देखोगे तो ये जो रिंग है बेटा, रिंग को तुम क्या करो, डबल बॉन्ड की तरह कंसीडर करो, तो इस रिंग को भी डबल बॉन्ड की तरह कंसीडर, तो एक कार्बन डबल बॉन्ड, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, यानी ये भी कंसेक्यूटिव डाइंग की तरह ही है, तो रिंग दिया है उसको भी तुम क्या करोगे, डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करोगे, तो ये हो गया, तो इसका जो मिरर इमेज बनाओगे तो जस्ट अपोजिट आएगा, ये होगा ये डबल बॉन्ड इधर CH3, ये एच, ठीक है, और यहां पे ये बीआर और ये एच, तो ये भी क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लो ये है, तो इवन नंबर है बट टर्मिनल कार्बन में क्या है, दोनों ग्रुप सेम है,
तो ये ऑप्टिकल ही नेगेटिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इवन नंबर तो है बट टर्मिनल कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या है, सिमिलर है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अगर मान लो ये सिस्टम है C डबल बॉन्ड C, ये है और इधर ग्रुप लगा हुआ है R1 R2 R1 R2, तो ये भी क्या होंगे, ये भी डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करोगे, यानी ये जो रिंग सिस्टम है, रिंग है वो क्या है, डबल बॉन्ड की कंसीडर करोगे। इसको ऐसे लिख सकते हो, ये तो वन टू, तो ये वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, ठीक है। यानी कि ये सॉरी, ये है C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C R1, एंड दिस इज ये R2, R1 R2। तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये वाला देखो, ये डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करो इसको, यानी इसको डबल बॉन्ड की, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहां पे डबल बॉन्ड, ये R1 ये R2, उसी तरह ये R1 और ये R2, तो ये भी शो करेगा। उसी तरह स्पाइरिन मॉलिक्यूल, ठीक है, स्पाइरिन मॉलिक्यूल में भी देखोगे, यानी स्पाइरिन मॉलिक्यूल की बात करोगे तो वो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अगर इवन नंबर रहा तो। ऐसे मान लो ये है, ये है R1 R2 R1 R2, तो ये क्या है, कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और इसको डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करोगे तो ये भी क्या होंगे, तो ये स्पाइरिन मॉलिक्यूल है। मैं पढ़ाया हूं स्पाइरिन, यानी दो बॉन्ड, जो जो दो रिंग होते हैं एक ही कार्बन से अटैच होते हैं, तो ये क्या हुआ, स्पाइरिन मॉलिक्यूल। इसको ऐसे लिख दो, ये 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 ये, उसी तरह ये 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 कार्बन, दिस इज R1, दिस इज R2, ऐसे भी तुमको लिखा हुआ मिलेगा R1 R2, तो ये भी इवन नंबर होंगे। अगर ये रिंग इवन नंबर है तो ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है, यदि ऑड नंबर होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो ये था क्या कि एलिंस मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे हम चेक करते हैं, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें अगर इसकी समरी की, तो समरी की अगर बात करेंगे तो क्या लिख सकते हो यहां पे, ठीक है, यहां पे लिखो, तो इसका अगर समरी की बात करो, कंटेनिंग पाई बॉन्ड रिंग हो, पाई बॉन्ड और रिंग हो, या बोथ हो,
यदि ये इवन में होगा, पाइरोन इवन, रिंग इवन और दोनों मिलाकर इवन होगा, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन प्लेनर होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यदि ये ऑड नंबर में होगा तो क्या होगा? प्लेनर होगा। और ये क्या शो करेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इस कंडीशन में ये क्या करेगा? सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी क्या शो करेगा? सिस ट्रांस। ठीक है, एलिन्स की अगर बात करोगे एलिन की अगर बात करें तो मान लो ये ग्रुप है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड G1 G2 या R1 R2 लिख दो, R1 R2 R1 R2 यानी R1 इज नॉट इक्वल टू R2। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, तब ये शो करेगा। यदि ऑड नंबर है, ठीक है, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये है 3, R1 R2 R1 R2 यानी R1 इज नॉट इक्वल टू R2 होना चाहिए, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा फर्स्ट कंडीशन एलिन सिस्टम के लिए। दूसरा क्या है? साइक्लोएल्काइलिडीन यानी साइकल भी हो और डबल बॉन्ड भी हो, यानी सी डबल बॉन्ड सी सी R1 R2 R1 R2। ठीक है, इस कंडीशन में R1 R2 क्या है? डिफरेंट है, तो क्या शो करेगा? उस कंडीशन में भी एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दूसरा क्या हो सकता है? सी 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 R1 R2 R1 R2 ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, और थर्ड जो है स्पाइरेन, थर्ड अगर बात करो स्पाइरेन की, यानी कि स्पाइरेन में भी क्या हो जाएगा? ये R1 R2 R1 R2। ठीक है, इवन नंबर रिंग हो और यहां भी क्या हो जाएगा? और नंबर रिंग, दिस इज द समरी। यानी इवन नंबर हो तो नॉन प्लेनर होगा, ऑड होगा तो प्लेनर होगा, और प्लेनर होगा तो सिस्टम यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ये इवन में हो और दोनों क्या है? टर्मिनल पे डिफरेंट ग्रुप अटैच हो तो वहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अगर ऑड में है तो ऑड में है तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो दिस इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म व्हेन मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन कायरल सेंटर बट मॉलिक्यूल एज ए होल इज सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, देन यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा। तो ये था बेटा क्या कि हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसमें?
एलिन के सिस्टम में यानी एलिन्स में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, यानी कैसे हम उसको एनालाइज करेंगे और कैसे हम उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में था, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम देखेंगे यहाँ ऑड है तो ज्योमेट्रिकल क्यों शो कर रहा है, तो ऑड है तो ज्योमेट्रिकल इसलिए शो करेगा बेटा, देखो यहाँ पे अगर ऑड है तो क्यों ऐसा हो रहा है, यदि ऑड हो रहा है जैसे मान लो R1 C R2 डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड R1 R2। अब देखो यहाँ sp2 sp, ये हो गया sp और ये हो गया sp2। देखो यहाँ पे ये sp2 sp sp2 sp, ऑड नंबर है, n क्या है, n जो है वो ऑड है, 3 है यानी 3 है यानी क्या हो जाएगा ऑड नंबर। तो ऑड नंबर है तो देखो एक अगर ये प्लेन में है तो दूसरा परपेंडिकुलर है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा नेक्स्ट वाला प्लेन में हो जाएगा, यानी ओवरऑल अरेंजमेंट की बात कर रहे हो तो ओवरऑल अरेंजमेंट की अगर बात करोगे तो एक बॉन्ड ये दूसरा उसके परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पे ये दूसरा उसके परपेंडिकुलर ऐसे, तो तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा इसी के साथ प्लेन में आ जाएगा। ठीक, यानी कि कहने का मतलब कि हमारे पास क्या है, हमारे पास दो टर्मिनल वाले प्लेन में आ जाएंगे और बीच वाले परपेंडिकुलर हो जाएंगे। यानी अगर इसकी ऑर्बिटल डायग्राम की बात करोगे, इसका ऑर्बिटल डायग्राम की बात करोगे तो एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में जो ये ग्रुप है देखो यहाँ पे ये ऐसे हैं, दूसरा वाला जो है वो ऐसे है और इससे जो है वो ये ऐसे है, यानी बीच वाला क्या है परपेंडिकुलर है और प्लेन में परपेंडिकुलर देन प्लेन में, तो दोनों टर्मिनल ग्रुप वाले क्या है प्लेन में आ जाते हैं, यानी ऑड नंबर होगा तो दोनों टर्मिनल ग्रुप प्लेन में और बीच वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ये टर्मिनल ग्रुप प्लेन में होगा तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का सो करेगा, यदि सिमिलर ग्रुप सेम साइड और डिसिमिलर ग्रुप सेम साइड तो क्या होगा सिस, और यदि सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड तो ट्रांस। तो ऑड नंबर होगा तो मॉलिक्यूल प्लेनर होगा सिस ट्रांस, इवन नंबर होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा नॉन प्लेनर होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब, जब टर्मिनल कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट हो, तो दिस इज द कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन एलियन सिस्टम। ठीक है बेटा, ये था एलियन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ले लेकर आएंगे क्या बाइफिनाइल सिस्टम के लिए, वहां पे देखेंगे फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में और फर्दर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िए, जैसे ही आप पढ़कर उठे आप इस पे 10 क्वेश्चन ढूंढिए नेट से इंटरनेट से या आपके बुक में जो भी बुक है आपके पास इंग्लिश की बुक होगी जो भी बुक होगी आप उससे क्या करिए आप उसे क्वेश्चन को खोजिए और खोज कर उस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इवन नंबर ऑप्टिकल ऑड नंबर ज्योमेट्रिकल दोनों टर्मिनल ग्रुप पे डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए, यानी दोनों टर्मिनल कार्बन पे तो ये था हमने बताया आज आपको क्या क्या सिखाया आपको कि क्यूमुलेटिव डाइन क्या है आइसोलेटेड डाइन क्या है और कंजुगेटेड डाइन क्या है, और फिर हमने बताया कि क्यूमुलेटिव डाइन यानी एलिन्स में हम कैसे क्या करते हैं ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल को देखते हैं। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। ओके, बाय बाय।